अगस्त और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। रैली से लौट रहे युवक की पुलिस से कहासुनी के बाद लगाया जाम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी एसटी आरक्षण क्रिमिलेयर के विरोध में निकाली गई रैली के बाद घर लौट रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई कहासुनी होने के बाद सैकड़ों लोगों ने बुलंदशहर बस स्टैंड चौराहे पर जाम लगा दिया। प्रशासन ने समझा बुझाकर दो घंटे बाद जाम खुलवाया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिलेयर आरक्षण को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में रैली निकालने के बाद घर लौट रहे प्रदर्शनकारियों की बुलंदशहर बस स्टैंड पर पुलिस से कहासुनी हो गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में रैली में आए बाइक सवार हाथों में झंडे और डंडे लेकर बुलंदशहर बस अड्डे पहुंचकर एक वाहन में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त करने के बाद चौराहे पर जाम लगा दिया। इसी के साथ जाम लगने ही कुछ ही देर में बुलंदशहर अलीगढ़ संभल की ओर से आने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम को खुलवाने के लिए कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने आसपास कई थानों की पुलिस मौके पर बुला लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने दलित युवक के हाथ में शीशे में मढ़ी बाबा साहब की तस्वीर को गिराकर दलित समाज को अपमानित किया है। मौके पर पहुंचे एसपी देहात रोहित मिश्रा, एसडीएम नवीन कुमार, सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बाबा साहब की वैसी ही तस्वीर मंगाकर प्रदर्शनकारियों को सौंपने के बाद माफी मंगवाकर जाम खोलने को कहा। तो वही किंतु प्रदर्शनकारियों बुलंदशहर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग करने लगे। प्रशासन ने बाबा साहब की मूर्ति लगाने के संबंध में आला अधिकारियों से बात करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।